हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। जैसे कि यहाँ मार्किंग आप दिख रहा है मेरू का प्लेट कवर है, स्विच भी, रेगुलेटर भी, इंडिकेटर भी सब मेरू का दिया हुआ है। तो आज मैं ये डोमेस्टिक जो विलेज एरिया होता है उसमें हाउस वायरिंग हो रहा है। लॉकडाउन है इस कारण बाहर तो नहीं वायरिंग हो रहा है। मैंने इसमें काम और कुछ इंस्टॉल किया हूँ, जैसे हो गया उसका एंगल। यहाँ पर कुछ मेरू का मैं मटेरियल आपको दिखाता हूँ। जैसे ये 8 मॉडल का प्लेट कवर है, ठीक है। तो जो हमारा 9-5 का MS जैक्सन बॉक्स होता है, जैसे आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जैक्सन बॉक्स है, यहाँ पर 8 मॉडल का प्लेट कवर लगाया है। एक दो स्विच और 3 सॉकेट लगा दिया है, ठीक है। और ये देख लीजिए, आपको इधर से ना भी कर देते हैं, 9.5 के पास आसपास आ रहा है। इधर से 4 है, तो 9-4 का ये MS बॉक्स है, उसमें 8 मॉडल का प्लेट कवर लग जा रहा है। इसी तरह से फिक्स किया गया है, ये 12 मॉडल का प्लेट कवर है, ठीक है। स्विच इंडिकेटर वगैरह लगा दिया हूँ, ठीक है। और नीचे में आप पुराना जो ओल्ड मॉडल होता है, 7-4 का जो फुट लेंथ है उसमें लगा दिया गया है। ये फुट लेंथ पे ये कवर देखिएगा आपका, ये जो दिख रहा है इसी तरह से दिखाएगा। 4 को प्लस स्क्रू मारना है तो ये फिटिंग आ जाएगा। आपको बगल में दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है देख लीजिए। तो ये ओल्ड मॉडल वाला है, जो ऑफ हो गया, ऑन हो गया। ओल्ड मॉडल वाला है, उसमें 7-4 का बॉक्स में फुट लेंथ का ये सिस्टम बना हुआ रहता है। उसमें बल्ब होल्डर लगाना जरूर पड़ता है। अभी सिस्टम आया है, मॉडलर में आ जाता है कि LED अटैच रहता है, उसी में फुट लेंथ लगा सकता है। लेकिन उसका मॉडलर MS जो बॉक्स होता है, GI बॉक्स, उसको लगाना भी जरूरी है। और जैसे यहाँ पर वॉल हैंगिंग लाइट लगा हुआ है, जो वॉल में दोनों साइड बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। उसका नीचे में MCB दिया गया है, PVC MCB बॉक्स है। और 16 का एक दिया हूँ, 10 का 4 दिया हूँ। ये 2 बेड वाला रूम है, एक किचन है बस, और कुछ नहीं है। और MCB कर लेते हैं। हाँ, तो जैसे बायां तरफ है वो 16 का है, बाकी 10-10 तीनों है, ठीक है। और इसका मेन जो है आया है 16 में दिया हूँ, ठीक है। 16 का नीचे में दिया हूँ। फिर यहाँ से आउटपुट किया है, UPS का एक पावर लिया गया है, ठीक है। फिर वहाँ से रिटर्न आके इसी में 10 में लगता है, फिर 10 से तीनों लूप होता है। 16 में देना है, इसमें फ्रिज है तो UPS फ्रिज में नहीं रहेगा, ठीक है। लाइट का जितना है ये पॉइंट है, और ये स्विच बोर्ड जितना है उसमें UPS चलेगा, इसलिए ये तीनों को UPS में दिया गया। एक फ्रिज का है और UPS सॉकेट का भी, उधर जो इन्वर्टर में लगाया जाएगा उसका भी, इसलिए ऊपर से आके दिया गया है। किसी बॉक्स में न्यूट्रल बाहर रहता है, बहुत बहुत MCB जो PVC का होता है, लेकिन इसमें न्यूट्रल दिया गया है। पॉइंट देख लीजिए, वहाँ पर न्यूट्रल है। और अर्थिंग का भी दिया गया है, कोना में जो आप दिख रहा है ग्रीन कलर का, उसमें टर्मिनेशन कर दिया है। और जो ये वॉल हैंगिंग लाइट, आप एक बार देख लीजिए, या रोशनी का थोड़ा समस्या होता है। हाँ, ये वॉल हैंगल लाइट, जैसे 7-4 का MS बॉक्स था उसमें 9.5 8.5 का सीट लगा दिया गया है जी। और इसमें बल्ब जो है वो E27 का थ्रेड वाला बल्ब लगाना जरूरी है। ये और जो नॉर्मल बल्ब होता है B22 का, वो इसमें सेटिंग नहीं होता है। चलिए आपको वो भी दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये दूसरा रूम में ये प्लेट कवर, ये दोनों तरफ जो छोटा छोटा उसमें 2 बार करके लगा देना है। जैसे ये बल्ब लगा देना है, इसमें वो थ्रेडिंग वाला बल्ब लगाना है जो आपका E27 है, ठीक है। इस तरह से लगाना है और शीशा लगा के फिर इसको लॉक कर देना है। ये इसका शीशा है, ठीक है। इस तरह से इसको लगा देना। ये दूसरा रूम का है, लगाया नहीं, अभी लगाऊंगा।
यहाँ पर अधिकतर मटेरियल जो है मेरे को ही मंगा गया, जैसे ये एमसी बॉक्स का डबल डोर वाला कवर है और ये सीलिंग रोज है, ये होल्डर है एंगल होल्डर, और ये 20 एम्पियर का सॉकेट है, ये 5 एम्पियर का, ये 5 एम्पियर का स्विच है, ये 20 एम्पियर का स्विच है, ये बेल पुश है। ये क्वालिटी इसका अच्छा नहीं है, ये क्वालिटी अच्छा नहीं है, इस कारण ये आपका मेरू का जो है बेल कॉलिंग बेल जो है ये ख़राब हो गया। इसको लगाया गया था लेकिन धुआं उठा, ये बेल का चलती, ये देखिए नहीं कर रहा है, इसका कंप्लेंट मेरे सुधार। अब दुकान में चलते होता है कि बदल जाएगा, लेकिन ये हमको लग रहा नहीं बदलेगा, बात करते हैं। बाकी ये जो सीलिंग रोज है ये भी क्वालिटी इसका अच्छा नहीं है, इसका लॉक सिस्टम हमको अच्छा नहीं लग रहा, और जो इसका जो ब्रास स्क्रू इसमें पार नहीं हो रहा है, इसमें जो होल में है ब्रास स्क्रू पार नहीं हो रहा है, और होल्डर भी जो है ये भी इसका अच्छा नहीं है। देख लीजिए पूरा ये जो है ये बंद हो जा रहा है, ये पूरा बंद हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर जगह होना चाहिए था ताकि दोनों हाथ से मिल के खोल सके, ये पूरा लॉक हो जा रहा है। तो इसको ओपन करने के लिए बैक साइड पकड़ना होगा, अगर बैक साइड मान लीजिए है बैक के लिए साइड में करना है तो इसका बैक तरफ, लेकिन यह थोड़ा करने के लिए और जगह होना चाहिए, ये जो सफ़ेद वाला इसका काटिंग इधर रहना चाहिए बायां तरफ, तब अच्छा रहता है, और कंपनी में निकाला है वो अच्छा देखने में लगता है। तो ये सारा मटेरियल लगाया गया है, जैसे ये इसका अमाउंट है तो 35 रुपया मार्केट में लिया है, ठीक है, लेकिन वही मतलब कम दम वाला है तो थोड़ा क्वालिटी भी उसी हिसाब रहता है, बहुत सारा में कंप्लेन है, बहुत सारा चीज़ अच्छा भी है, ऐसा बात नहीं है। और जैसे हो गया रोमा का स्विच होता है वो 40-45 रुपया लेता है, तो क्वालिटी भी अच्छा होता है। तो इसमें वायरिंग करके बल्ब ये का दीवार हैंगिंग वाला लाइट लगा दिया, उसमें होल्डर एक दिया है, उसका जो है उसमें भी एक बल्ब लगा दिया, उसके ऊपर में भी एक लगा दिया गया है, इस तरह से ये फिटिंग कर दिया। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, और जुड़िए बीएमएस तो जानकारी देते रहूँगा, फायर अलार्म भी, और इलेक्ट्रिकल का जो अभी काम कर रहा तो छोटा मोटा ये सब का बारे में भी जानकारी दूंगा। ये मैं ही वायरिंग किया हूँ, साथ में एक हेल्पर लेके, दो रूम है बस, 4 दिन में कम्प्लीट हो गया।